और स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर्स। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलते रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मोटिवेट जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी मित्रों के साथ ताकि उनकी हेल्प हो सके। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखा करें, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सारे क्वेश्चन। चलिए तो फिर फटाफट स्टार्ट करें दोस्तों। आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 9 जनवरी 2019 को निम्नलिखित में से किसने एक ऑनलाइन अभियान वेब वंडर वोमेन लॉन्च किया है? तो क्या दोस्तों, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने, ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 9 जनवरी 2019 को एक ऑनलाइन अभियान www.webwonderwoman शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य दोस्तों उन महिलाओं के असाधारण उपलब्धियों की खोज करना और उनका जश्न मनाना जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को प्रभावित किया है, ठीक है। और दोस्तों यह मंत्रालय ने ब्रेक थ्रू और ट्विटर इंडिया के सहयोग से अभियान शुरू किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, वेब वंडर वोमेन किसने लॉन्च किया ऑनलाइन अभियान? महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 जनवरी 2019 को कहाँ पर गंगा जल परियोजना का उद्घाटन किया है? तो मोदी जी ने गंगा जल परियोजना का उद्घाटन किया है आगरा में, ठीक है, यूपी में, ठीक है। इस कार्यक्रम को दोस्तों बेहतर पेयजल की आपूर्ति प्रदान करेगा जिसमें निवासियों के साथ साथ पर्यटकों को भी इसमें लाभ होगा, ठीक है, प्रॉफिट होगा। और इस परियोजना का लक्ष्य दोस्तों गंगा के 140 क्यूसेक जल को आगरा में लाना है। उन्होंने दोस्तों आगरा में 2980 करोड़ रुपए की नागरिक परियोजनाओं की भी शुरुआत की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2019 को आगरा में गंगा जल परियोजना का उद्घाटन किया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मोटिवेट जरूर किया करें। और इस वीडियो को टारगेट लाइक से 15,000 फटाफट वीडियो लाइक कर दें। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, अलायंस फॉर मीडिया फ्रीडम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलायंस फॉर मीडिया फ्रीडम के चेयरमैन बनाए गए हैं एन राम, ठीक है, ऑप्शन डी। एन राम को दोस्तों अलायंस फॉर मीडिया फ्रीडम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। और अलायंस मीडिया स्वतंत्रता, मीडिया स्वायत्तता, पत्रकारों की सुरक्षा की दिशा में कार्य करने के लिए समर्पित है ये। और एन राम द हिंदू ग्रुप के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अलायंस फॉर मीडिया फ्रीडम के अध्यक्ष रूप में किसको नियुक्त किया गया है? एन राम को। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसे 2018 कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद सलह को, ठीक है, ऑप्शन ए। दोस्तों लिवरपूल के मोहम्मद सलह को 2018 कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। और उन्होंने ये दूसरी बार ये पुरस्कार जीता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ह्यूस्टन डैश और दक्षिण अफ्रीका के फॉरवर्ड थम्बी कागलन्ना को महिला प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, ठीक है। और ये जो मोहम्मद सलाह हैं, दिसंबर 2018 में दूसरी बार BBC अफ्रीकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया था। तो ये मोहम्मद सलाह हो जाएगा, याद रखिएगा, 2018 कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है मोहम्मद सलाह को। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, RBI ने सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका को कितने मिलियन डॉलर ऋण प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 400, ठीक है, 400 मिलियन डॉलर। देखिए दोस्तों आपको बता दें कि 9 जनवरी 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका को 400 मिलियन डॉलर ऋण प्रदान करने की घोषणा सहमति व्यक्त की है। और इसमें दोस्तों आपको बता दें कि RBI ने अपनी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन SARC स्वयं सुविधा के तहत राशि प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है। और यह धन श्रीलंका को बाहरी भंडार का पर्याप्त स्तर बनाए रखने में मदद करेगा, ठीक है दोस्तों। और बता दें आपको कि सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका गवर्नर कौन है? इंद्रजीत कुमार स्वामी, ठीक है। और RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो अभी हाल में बने हैं, याद रखिएगा, 25वें नंबर के। इससे पहले उर्जित पटेल थे। RBI हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेशनलाइजेशन हुआ था इसका, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में, ठीक है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के नए विशेष समन्वयक क्रू में किसे नियुक्त किया गया है? किया गया है जान कुबिस को, ठीक है, ऑप्शन बी। दोस्तों 9 जनवरी को UN के महासचिव जो हैं एंटोनियो गुटेरस ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के विशेष समन्वयक क्रू में जान कुबिस को नियुक्त किया, ठीक है। और वह डेनमार्क के परनील डाहलर कर्नेल के कमान संभालेंगे जो नवंबर 2017 से कार्यकारी समन्वयक का कार्य कर रहे थे। जान कुबिस दोस्तों स्लोवाकिया के विदेश मंत्री भी थे, ठीक है। तो लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के नए विशेष समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जान कुबिस को। और ये किया है UN के महासचिव एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है,
सियांग नदी के ऊपर भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का नाम क्या है? इसका नाम है ब्योरोंग पुल। ठीक है, ब्योरोंग पुल। देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के सीएम जो हैं पेमा खांडू ने ऊपरी सियांग जिले में सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया है। इस पुल का नाम क्या है? ब्योरुंग पुल है। और 300 मीटर लंबे इस पुल को संसाधनों के नॉन लैब लैप्सेबल सेंट्रल पुल के तहत दोस्तों उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषित किया गया। ठीक है, तो ये जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का नाम क्या है? ब्योरोंग पुल है, जिसका उद्घाटन किया है यहाँ के सीएम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, हिंदी भाषा की महानता को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों हर वर्ष 10 जनवरी को यह हिंदी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हिंदी डे। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों हुआ था 1975 में, 10 जनवरी को आयोजित किया गया था। और इस दिन की मानकता हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन का दोस्तों उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने नागपुर में किया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और वर्ल्ड हिंदी डे की बात करें, विश्व हिंदी दिवस, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 मई 2019 को सेबी द्वारा गठित अनुसंधान सलाहकार समिति का प्रमुख कौन होगा? डॉक्टर शंकर डे। ठीक है, देखो दोस्तों, भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड यानी सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI इसका फुल फॉर्म, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक अनुसंधान सलाहकार समिति गठन किया, जिसकी अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर शंकर डे करेंगे। और यह समिति पूंजी बाजार के विकास और विनिमय के लिए प्रासंगिक अनुसंधान शुरू करने के लिए नीति बनाने में सहयोग करेगी। और इस समिति में दोस्तों प्रमुख वित्तीय अर्थशास्त्री और बाजार व्यवसायी शामिल होंगे। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? सेबी द्वारा गठित अनुसंधान सलाहकार समिति का डॉक्टर शंकर डे। वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मलाला यूसुफ जई। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 9 जनवरी को दोस्तों भारत में वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक जारी की गई। इस पुस्तक के लेखक है मलाला यूसुफ जई। और दोस्तों इस पुस्तक में दोस्त दुनिया भर की यात्रा करने और शरणार्थी शिविरों का दौरा करने के उनके अनुभवों का इसमें विवरण दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मलाला यूसुफ जई को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, पीस प्राइज मिला था, शांति का नोबेल प्राइज़। तो आप याद रखिएगा, किसके साथ? कैलाश सत्यार्थी जी के साथ, जिन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी, संयुक्त रूप से मिला था। ठीक है, मानवाधिकार और ये बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य करने वाली कार्यकर्ता, ठीक है, मलाला यूसुफजई को मिला है, मिला था ये। और ये इनकी पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड बहुत फेमस है, याद रखिएगा, मलाला यूसुफजई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की नवीनतम विश्व रैंकिंग में नंबर एक स्थान प्राप्त किसने किया है? तो किया है मुक्केबाज मैरी काम ने। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों, बॉक्सर एमसी मैरी काम ने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की नवीनतम विश्व रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 2018 राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, उन्होंने दोस्तों बुल्गारिया में प्रतिष्ठित स्ट्रेटजा मेमोरियल में भी रजत पदक जीता। ठीक है, और 2018 में दोस्तों वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद यह विश्व चैंपियनशिप के इतिहास में सफल मुक्केबाज बन गई हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मुक्केबाज मैरी काम। हमारा अगला क्वेश्चन है, 12 और 13 जनवरी 2019 को पहली भारत मध्य एशिया वार्ता कहाँ आयोजित की जाएगी? उज्बेकिस्तान में आयोजित की जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी सह अध्यक्षता विदेश मंत्री जो है अपनी सुषमा स्वराज और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अजीज कामिलोव करेंगे। सम्मेलन के प्रतिभागी दोस्तों भारत और अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बीच संपर्क के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ठीक है, तो 12 और 13 जनवरी 2019 को पहली भारत मध्य एशिया वार्ता आयोजित की जाएगी उज्बेकिस्तान में। अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो का आंसर। 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में एग्जीबिटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो मिला है DRDO पवेलियन को मिला था। और ये कहाँ आयोजित किया गया था? 106वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया था। तो आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आप देख लेते हैं आज का क्वेश्चन हमारा क्या है। 1 जनवरी 2019 से ग्लोबल सोलर काउंसिलिंग के अध्यक्ष रूप में किसने पदभार संभाला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, और वीडियो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। दोस्तों हमारे दूसरे चैनल की लिंक, डिजिटल स्टडी की लिंक, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वहाँ पर मैं आपको GK की वीडियोज़ अपलोड करता हूँ,
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो पसंद प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जल्दी से कमेंट करें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।